Morning. We had a wonderful discussion today about science, that is, science is a boon or a bane. Definitely, science without conscience is a death of soul. क्या कहा मैंने कि साइंस विदाउट कंसाइंस, बिना जमीर के, बिना अंतरात्मा के, विज्ञान आत्मा की मृत्यु के समान है। जी हाँ, साइंस एक बहुत अच्छा स्लेव बन सकता है, पर ये बहुत अच्छा मास्टर नहीं है। अगर ये आपका गुलाम है तब तो आप राजा हैं, पर अगर साइंस आपका मालिक बन गया और आप इसके गुलाम बन गए तो हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हर तरफ कमाली होगी, विनाश लीला। हम लोग देख चुके हैं जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एक न्यूक्लियर बम हमला किया था और हर तरफ कमाली का ही मंजर था, और आज तक वो इसको भुगत रहे हैं। आज तक वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो कई तरह की बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, रेडिएशन का लेवल इतना बढ़ गया है। ऐसे ही कई छोटे छोटे धमाके रोज, हर रोज एक बम आप अपनी पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है और वैसे वैसे मोबाइल फोन्स का यूज बढ़ा है, फिर मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन भी उतनी ही प्राणघातक है, उतनी ही फेटल है जितने कि न्यूक्लियर धमाके, राइट। टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे मानवीय रिश्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। यकीनन सोशल मीडिया की वजह से हम लोग दूर दूर बैठे अपने दोस्तों के तो करीब आ गए, बट अपने करीब बैठे अपने परिवार से धीरे धीरे दूर होते जा रहे। साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया, हर एक तरफ जहां मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की और इतनी सारी मेडिसिन और ऑपरेशन करने के लिए इतनी सारी सुविधाएं, जिसने बहुत लोगों की जान बचाई, पर जहां हजारों लाखों की जान बचाई जा रही है वहीं इन बमों की वजह से लाखों करोड़ों की जान ली भी जा रही है। आज इस संसार के अंदर टेररिज्म सबसे बड़ा खतरा है टेररिज्म, आतंकवाद, और आतंकवाद पागलों के द्वारा किया जाता है। जरा सोच के देखिए, अगर इन पागल संकियों के हाथ में ये विनाशकारी बम लग गए, ये न्यूक्लियर बम लग गए, और उन्होंने खेल खेल में इस लाल बटन को दबा दिया, तो क्या मंजर होगा इस पृथ्वी का। साइंस को सलाम है, साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, बट प्रगति की इस दौड़ में ये मत भूलिए कि फैक्ट्रीज, नई नई फैक्ट्रीज को खोलने के लिए हमें वनों का कटाव नहीं करना है। आप सब लोग इस देश का भविष्य है, वृक्षारोपण कीजिए, देश को बचाइए, दुनिया को बचाइए। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही हमारा घर है। प्रकृति के करीब आइए, प्रकृति हमारी माँ है। विज्ञान के खातिर हमें प्रकृति की बलि नहीं चढ़ाना। आप सभी लोग हिंदी मीडियम से ताल्लुक रखते हैं, पर आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आज के संडे हम लोगों ने वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट किया, राइट। अच्छा लगा आप लोग स्टेज पे आए, धीरे धीरे आपका डर निकलेगा, हिचक निकलेगी, हम लोग मिलकर इंग्लिश सीखेंगे, आज के समय की जरूरत है। चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो या प्राइवेट जॉब्स हो, इंग्लिश सीखना बेहद जरूरी है, और इसके लिए यकीनन हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग फ्यूचर में और भी वीडियोज और कई तरह की चीजें आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब की मदद से पहुंचाएंगे। तो हमें एक बैलेंस कायम करना है, हमें सबको साथ लेके चलना है, राइट और रॉन्ग। Nice. Okay, so it was really nice meeting you. We had a happy Sunday. Go and enjoy yourself. Thank you so much for coming.